वेलकम स्टूडेंट्स टू द न्यू क्लास ऑफ फिजिक्स आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। सबसे पहले बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड जिसकी थ्री कैटेगरीज हैं क्या क्या हो गए कंडक्टर इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर कंडक्टर्स क्या होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी या करंट इजिली पास हो सकता है मतलब ऐसे सब्सटांसिस या मटेरियल्स जिनकी रजिस्टिविटी वेरी लो होगी एंड कंडक्टिविटी वेरी हाई होगी उनको क्या बोल लेंगे मेटल्स या फिर कंडक्टर तो कंडक्टिविटी की रेंज क्या होगी टेन रेज टू पावर टू टू टेन रेज टू पावर एट सीमन पर मीटर और रेजिस्टिविटी क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ़ कंडक्टिविटी दैट्स वाई रेजिस्टिविटी की रेंज क्या हो जाएगी इसका रेसिप्रोकल जो क्या होगा टेन रेज टू पावर माइनस टू टू टेन रेज टू पावर माइनस एट ओम मीटर फिर आते हैं इंसुलेटर्स इंसुलेटर्स कैसे सॉलिड्स हैं जिनकी रजिस्टिविटी की वैल्यू हाई होगी और कंडक्टिविटी की वैल्यू वेरी लो होगी उनको क्या बोलेंगे इंसुलेटर्स मतलब इंसुलेटर्स कैसे मटेरियल्स हुए जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट पास नहीं हो सकता इसलिए इनकी कंडक्टिविटी की रेंज कितनी है टेन रेज टू पावर माइनस टेन टू टेन रेज टू पावर माइनस नाइनटीन पर मीटर तो रजिस्टिविटी क्या आ गई इसकी इसका रेसिप्रोकल टू ओम मीटर हो गया। फिर आते हैं सेमी कंडक्टर सेमी कैसे मटेरियल्स या सॉलिड्स हैं जिनकी रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी लाई करती है बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स उनको क्या बोलेंगे सेमी कंडक्टर तो इनकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या करेगी इन दोनों की कंडक्टिविटी के बिटवीन लाई करेगी जो है टेन रेज टू पावर टेन टू तो, टेन रेज टू पावर माइनस फाइव सीमन मीटर अगर कंडक्टर्स के एग्जाम्पल की बात करें ऐसे मटेरियल जिनमें से करंट पास हो सकता है ईजिली जैसे कि सिल्वर आ गया कॉपर आ गया जितने भी मेटल्स हैं इंसुलेटर्स क्या हैं विच डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ करंट जैसे कि वुड ग्लास या फिर डायमंड आ गया फिर आते हैं सेमी कंडक्टर सेमी कंडक्टर ऐसे मटेरियल्स होंगे जिनमें से क्या होगा करंट पास होगा या फिर उनकी कंडक्टिविटी लाई कर रही है बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर जैसे कि क्या आ गए जर्मेनियम एंड सिलिकॉन तो जो वाइडली यूज सेमी कंडक्टर है वो कौन सा होता है सिलिकॉन ओके okay. तो ये क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी या फिर रजिस्टिविटी अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स तो इसके लिए सबसे पहले हम एनर्जी बैंड देखेंगे कौन से हो गए वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड कौन सा बैंड है जहाँ पे एनर्जी बैंड ऑक्युपाइड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ओके और कंडक्शन बैंड क्या हुआ कंडक्शन बैंड ऐसा एनर्जी बैंड है जहाँ पे जो हायर लेवल ऑफ एनर्जी है और जो कैसा होगा या तो पार्शियली फिल्ड होगा या फिर एम्प्टी होगा ठीक है उसको क्या बोलेंगे हम कंडक्शन बैंड और इनके बीच में जो गैप है या फिर सेपरेशन है बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड उसको क्या बोलेंगे हम फॉरबिडन एनर्जी गैप इसको डिनोट किससे करते हैं हम ई से डिनोट करेंगे क्या बोलेंगे इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलेंगे ओके okay? किसके लिए यूज हो रहा है फॉर द सेपरेशन बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड तो अब अगर सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले आता है कंडक्टर्स या फिर मेटल्स कंडक्टर्स में क्या चीज़ होगी जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है ये क्या होंगे पार्शियली फिल्ड होंगे या फिर क्या करेंगे एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे क्या करेंगे जैसे ये कंडक्शन बैंड है तो ये वैलेंस बैंड है ये दोनों क्या कर रहे हैं एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे और कंडक्शन बैंड और वैलेंस uh, बैंड क्या होंगे पार्शियली फिल्ड होंगे ठीक है तो जिन सॉलिड्स के केसेस में ये चीज आएगी उनको क्या बोलेंगे हम कंडक्टर्स बोलेंगे या फिर मेटल्स बोलेंगे फिर आते हैं इंसुलेटर्स इंसुलेटर में क्या चीज आएगी जो वैलेंस बैंड है वो क्या होगा कंप्लीटली फिल्ड होगा विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और जो कंडक्शन बैंड होगा वो क्या होगा एम होगा और इनके बीच में फॉरविडन गैप होगा जो जि, जि, जिसका ई कितना होगा अबाउट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड सेपरेटेड होंगे विद द फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ अबाउट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है किसके केसेस में आ गया ये इंसुलेटर्स के केसेस में तो इंसुलेटर में से करंट या इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है क्योंकि जो कंड वैलेंस बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो क्या कर सकें इस फॉरबिडन एनर्जी गैप को ओवरकम करके कंडक्शन बैंड में जा सकें ठीक है इसलिए ये क्या है इंसुलेटर्स पोअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फिर आते हैं सेमी कंडक्टर सेमी कंडक्टर में अगेन जो वैलेंस बैंड होगा वो क्या होगा कंप्लीटली फिल्ड होगा और कंडक्शन बैंड क्या होगा एम होगा बट सेमी कंडक्टर्स के केस में जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में सेपरेशन होगा या फॉरबिडेड एनर्जी गैप होगा उसकी कितनी वैल्यू होगी थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके मतलब जो वैलेंस बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास इतनी एनर्जी होती है कि वो क्या कर सकें इस फॉरबिडेड एनर्जी गैप को ओवरकम करके कंडक्शन बैंड में जा सकें, ओके okay? तो इसीलिए ये क्या कर सकते हैं बिहेव कर सकते हैं एज अ कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर ठीक है तो क्या चीज आ गई मेनली इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि अगर क्लासिफिकेशन की बात करें सॉलिड्स की ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स तो कंडक्टर के केस में कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड क्या होंगे पार्शियली फील्ड होंगे या फिर एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे फिर आता है इंसुलेटर इंसुलेटर के केस में क्या होगा जो वैलेंस बैंड होगा वो क्या होगा कंप्लीटली फील्ड और कंडक्शन बैंड क्या होगा एम होगा और इनके बीच में क्या होगा जो एनर्जी गैप है उसकी या फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू कितनी होगी सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट फिर आता है सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा अगेन वैलेंस बैंड क्या होगा कंप्लीटली फिल्ड होगा कंडक्शन बैंड एम होगा बट जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो डिक्रीज हो जाएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी ठीक है ये क्या आ गया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स और पीछे क्या था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी एंड रजिस्टिविटी ये चीज नोट कर लेनी है कि फॉर्बिडन एनर्जी गैप कितना होता है इंसुलेटर के केस में एंड सेमी कंडक्टर के केस में नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी कि जो टेम्परेचर है वो किस तरह किसी मटेरियल की कंडक्टिविटी को अफेक्ट करती हैं तो अगर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी की बात करें तो वो इंक्रीज होगी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर क्यों क्योंकि जैसे हमने देखा कि जैसे अगर क्या करेंगे हम वैलेंस uh, बैंड में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं है, अगर उनको ज्यादा थर्मली हीट देंगे तो वो क्या करेंगे कंडक्शन बैंड में जाएंगे जिसकी वजह से वहां पे क्या होगा फ्लो ऑफ करंट होगा इसलिए जो कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर है इंक्रीज करती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर तो कंडक्टिविटी का अपोजिट क्या आ जाएगा रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस ऑफ सेमी कंडक्टर क्या करेगी डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर मतलब जितने ज्यादा रेजिस्टेंस हो गए उतना कम फ्लो होता है किसका करंट का इसलिए जिन मटेरियल्स में ज़्यादा फ्लो हो रहा है करंट का मतलब वहाँ पे क्या चीज़ है रेजिस्टेंस उस मटेरियल की या उस सॉलिड की कम होगी फिर आता है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स इंक्रीज़ विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर अगर हम किसी कंडक्टर को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट दे रहे हैं तो उस केस में क्या चीज़ आएगी उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी इंक्रीज़ होगी एंड कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर उसकी कंडक्शन प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कंडक्टर की डिक्रीज करेगी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर तो क्या हो गया अगर सेमी कंडक्टर को हम ज़्यादा टेम्परेचर दे रहे हैं तो वहाँ पर क्या आएगा उसकी कंडक्टिविटी इनक्रीज होगी और इसका अपोजिट अगर किसी कंडक्टर को हम बहुत ज़्यादा हीट दे रहे हैं तो उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी फिर आता है इंटरेंसिक सेमी कंडक्टर्स अब हमें पता है सेमी कंडक्टर्स क्या हैं जिनकी कंडक्टिविटी लाई करती है बिटवीन इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स तो इंटरेंसिक सेमी कंडक्टर में क्या आया ये प्योर सेमी कंडक्टर्स हैं मतलब ऐसे सेमी कंडक्टर्स जो प्योर फॉर्म में होंगे जैसे कि जर्मीनियम एंड सिलिकॉन उनको क्या बोलेंगे हम इंटरेंसिक सेमी कंडक्टर्स और ये क्या करते हैं थर्मली जनरेट करते हैं करंट कैरियर करंट कैरियर्स कौन से होते हैं होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स फिर आते हैं द सेमी कंडक्टर इन विच द करंट कैरियर्स आर क्रिएटेड ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन ओनली अक्रॉस द फॉरविडन एनर्जी गैप इज कॉल्ड इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर क्या बोला कि जो सेमी कंडक्टर में जो करंट कैरियर्स होंगे वो क्रिएट होंगे किसकी वजह से ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन अक्रॉस द फॉरबिडन एनर्जी गैप उनको क्या बोलेंगे हम इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको याद रखना है तो सेमी कंडक्ट ऐसे सेमी कंडक्टर जो प्योर फॉर्म में होंगे जैसे कि जर्मेनियम एंड सिलिकॉन उनको क्या बोला इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर फिर आता है एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर इनके केस में क्या आया कि जब हमें क्या करना है सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना है तो हम क्या करते हैं एक डिज़ायरेबल इम्प्योरिटी एड करते हैं सेमी कंडक्टर्स में और जब क्या किया वो इम्प्योरिटी एड की सेमी कंडक्टर में तो उन सेमी कंडक्टर्स को क्या नाम दे दिया एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर और जो इम्प्योरिटी एड की उसको क्या बोल लेंगे डोपेंट और इस पूरी प्रोसेस को क्या बोल लेंगे डोपिंग बोल लेंगे ठीक है तो इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर्स क्या हुए जो प्योर फॉर्म में होंगे और एक्सट्रेंसिंग क्या होंगे जब सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम उनमें डिज़ायरेबल इम्प्योरिटीज ऐड कर रहे हैं उनको क्या बोलेंगे एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर्स अब जो एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर्स हैं उनके भी टू टाइप हैं फर्स्ट आ गया पी टाइप सेमी कंडक्टर देन एन टाइप सेमी कंडक्टर पी टाइप सेमी कंडक्टर में क्या चीज़ आती है जब हम ट्राईविलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे जर्मेनियम और सिलिकन क्रिस्टल में उसको क्या बोलेंगे पी टाइप सेमी कंडक्टर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज कौन हो गई जैसे इंडियम एटम हो गया या फिर बोरोन इम्प्योरिटी होगी ठीक है और एन टाइप में क्या करेंगे हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे किसमें जर्मेनियम या फिर सिलिकन आने में जैसे कि एंटीमनी या आर्सेनिक हो गया ठीक है क्या हो गया पी टाइप पी टाइप में हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे और एन टाइप में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे इसलिए इनका नाम दे दिया पीटाइप सेमी कंडक्टर है एन टाइप सेमीकंडक्टर और किसके टाइप हैं ये एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर्स के के आता है पीएन जंक्शन पीएन जंक्शन क्या हुआ जब हम किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल को जैसे कि सिलिकॉन हो गया या जर्मेनियम हो गया उसके वन पोर्शन को डोप्ड करेंगे विद पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी और दूसरे पोर्शन को डोप्ड करेंगे विद ट्रावल इम्प्योरिटी तो वो क्या बना देगा एक जंक्शन बैरियर बना देगा और इस टोटल चीज को हम क्या बोल देंगे पीएन जंक्शन का नाम दे देंगे ओके okay? तो पी एन जंक्शन में कुछ चीजें याद रखने वाली हैं जैसे एन टाइप पी टाइप एंड डिप्लीशन रीजन सबसे पहले अगर फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर की बात करें तो डिप्लेशन रीजन या डिप्लीशन लेयर क्या होती है जहाँ पे नो मोबाइल चार्जेस होते हैं जैसे कि इस साइड आप देख रहे हो चार्जेस की मूवमेंट है यहां पे भी चार्जेस की मूवमेंट है बट इस रीजन में नो मोबिल चार्जेस होंगे इसलिए इसको क्या नाम दे दिया डिप्लेशन रीजन दे दिया और अगर एन टाइप की बात करें एन टाइप से आप क्या याद रख सकते हो नेगेटिव याद रख सकते हो पी से पॉजिटिव याद रख सकते हो तो एन टाइप में क्या होंगे मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स होंगे और पी टाइप में क्या होंगे होल्स इलेक्ट्रॉन्स के पास कैसा चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज एंड होल्स के पास कैसा चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज ठीक है तो n टाइप में जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो क्या हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं और पी टाइप में क्या है? हैं होल्स हैं ठीक है तो इसकी वजह से अब क्या करें अगर यहां पे हम क्या करें बैटरी अटैच करेंगे ठीक है तो ये क्या बना देगा एक तरह से फॉरवर्ड बायस पी जंक्शन फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस अगर पहले फॉरवर्ड बायस की बात करें फॉरवर्ड बायस में अगर जो एन टाइप का रीज़न है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है और पी टाइप का रीज़न है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है तो ये कैसा जंक्शन है फॉरवर्ड बायर्स जंक्शन और इसका रिवर्स अगर जो एन टाइप है वो बैटरी के पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड है और जो पी टाइप है वो बैटरी के नेगेटिव साइड से कनेक्टेड है तो वो कैसा जंक्शन हो गया रिवर्स बायस जंक्शन हो गया ओके okay? तो जंक्शन में क्या चीज आ गई एन टाइप पी टाइप एंड डिप्लेशन रिएक्शन। एन टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं और पी टाइप में क्या हैं होल्स हैं क्या और क्या देखा फॉरवर्ड बायस पी एन जंक्शन एंड रिवर्स बायस तो अब क्या है जीनर डायोड यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है आ जाता है क्योंकि जब हम क्या करते हैं पी जंक्शन डायोड की बात करते हैं तो वो फॉरवर्ड बायस में तो अच्छे से काम करता है बट रिवर्स बाइस में क्या हो जाता है ब्रेकडाउन हो जाता है उसका या फिर वो डैमेज हो जाता है इसीलिए हमें किसकी नीड है जीनर डायोड की जीनर डायोड क्या है एक ऐसा पीएन जंक्शन डायोड है जो वर्क करता है इन द ब्रेकडाउन रीजन विदाउट डैमेजिंग इट्सल्फ उसको क्या बोला हमने जीना डायोड बोल दिया और ये क्या आ गया जीनर डायोड का सिम्बल आ गया ठीक है मतलब जीनर डायोड की बात करें तो एक तरह से वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है जो ब्रेकडाउन रीजन में या रिवर्स बाइसिंग के टाइम भी विदाउट डैमेजिंग अच्छे से काम कर सकता है ठीक है क्या हो गया वो जीनर डायोड हो गया फिर आता है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस में क्या चीज आ गई जो जंक्शन डायोड है वो क्या करेगा कंडक्ट करता है जब चार्ज कैरियर जनरेट होते हैं बाय द फोटोन्स इंसिडेंट ऑन एट मतलब क्या चीज आ गई कि चार्ज कैरियर्स जनरेट होंगे जैसे कि ये रीज़न है ठीक है ये कोई मटेरियल है यहाँ पे क्या कर रहे हैं फोटोन इंसिडेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स uh, होंगे वो क्या होंगे एक्साइड होंगे तो चार्ज कैरियर्स जनरेट हो रहे हैं किसकी इंसिडेंट की वजह से फोटोन्स की इंसिडेंट की वजह से और ऐसी डिवाइस को हमने क्या नाम दे दिया ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस तो इसमें क्या क्या चीज आ गई फोटो डायोड आ गया लाइट इमेटिंग डायोड आ गया एंड सोलर सेल आ गया जो फोटो डायोड है उसका यूज हम करते हैं लॉजिक सर्किट्स में या फिर लाइट ऑपरेटर स्विचेस में बट यहाँ पे जो मेनली इंपॉर्टेंट है वो क्या है लाइट इमेटिंग डायोड एंड सोलर सेल लाइट इमेटिंग डायोड क्या हैविली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड है जो क्या करता है एमिट करता है स्पॉन्टेनियस रेडिएशन जब वो क्या होता है फॉरवर्ड बायसड उसको क्या बोलेंगे एलईडी या लाइट एमिटिंग डायोड और इसका क्या काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना लाइट एनर्जी में क्या करेगा ये क्या है फॉरवर्ड बाइसिंग में काम करता है और स्पॉन्टेनियस रेडिएशन प्रोड्यूस करता है एंड इसका क्या काम है कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में ठीक है उसके बाद आता है सोलर सेल सोलर सेल का क्या काम है सोलर सेल का काम है जो है जो सोलर एनर्जी उसको कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ठीक है क्या कैसा पीएन जंक्शन डायोड है ये तीनों ही कैसे हैं पीएन जंक्शन डायोड है, है बट इनके अलग अलग काम है ठीक है जैसे लाइट एमिटिंग डायोड का क्या काम है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करना और सोलर सेल का क्या काम है जो सोलर एनर्जी है उसको किसमें कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ठीक है तो ये क्या आगे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज आगे अब देखते हैं कि इनमें से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे पहले आता है द फॉरविडन एनर्जी गैप बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड विल बी लिस्ट इन केस ऑफ जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो किसके बीच में होता है वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में तो किस केस में ये क्या होगा लिस्ट होगा मेटल्स के केस में सेमीकंडक्टर इंसुलेटर या सभी के केस में तो हमने जब क्लासिफिकेशन की थी ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स तब हमने पढ़ा था कि जो लिस्ट होता है वो किसके केस में होता है मेटल्स में क्योंकि यहाँ पे क्या करेगा ये समटाइम्स ओवरलैप करता है तो इसलिए लिस्ट किसके केस में हो गया मेटल्स के उसके बाद इंसुलेटर्स और सेमी की बात करें तो दोनों में किस में कम होता है सेमी में फिर आता है एन इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड कोई इलेक्ट्रॉन है वो अगर कंडक्शन बैंड में है क्या होगा उसके पास हैज़ हायर एनर्जी देन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड हैज़ लोअर एनर्जी देन द इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड या लूज चार्ज इजिली जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है हमें पता है कंडक्शन बैंड क्या है हाई एनर्जी लेवल बैंड है ठीक है तो इसकी जो अनर्जी uh, है इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगी हायर देन द इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड तो इसका आंसर क्या हो गया ए फिर आता है In an ideal diode, there is no breakdown, no dash current and no forward dash drop. एक अगर आइडियल डायोड की बात करें उसमें क्या होना चाहिए ना ही कोई ब्रेकडाउन होना चाहिए या तो उसमें क्या होना चाहिए ना ही कोई रिवर्स करंट या फॉरवर्ड वोल्टेज होनी चाहिए या फॉरवर्ड वोल्टेज करंट ड्रॉप होना चाहिए क्या चीज़ होनी चाहिए तो एक आइडियल डायोड कैसा होना चाहिए जो ब्रेकडाउन ना करे जो क्या करे जिसमें नो रिवर्स करंट हो एंड नो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप हो तो इसका आंसर क्या हो गया ए इसका आंसर हो गया फिर आते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे होंगे फर्स्ट बैंड में सेकेंड बैंड में थर्ड बैंड में या फिर कंडक्शन बैंड में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होंगे हमें पता था कि जो वैलेंस बैंड है वहाँ पे कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और कंडक्शन बैंड में क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स इन फ्रीली स्टेट फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं कंडक्शन में ठीक ये कुछ टाइप के क्वेश्चन हैं तो इसी टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं यहां पे कि, कि सेमीकंडक्टर में जो फॉरवेडेड एनर्जी गैप है उसकी कितनी वैल्यू होती है ठीक है और जो बाकी हमने पढ़ा कि कंडक्टर्स इंसुलेटर्स के कौन से एग्जांपल्स होते हैं जीना डायोड क्या है या फिर सोलर सेल का क्या यूज है तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू